Dear students, we are studying about fiber to fabric. We have studied part 1. In part 1 we have studied about the variety of fabrics, fiber and fabric, sources of fiber, types of fiber, natural fiber, sources of natural fiber, synthetic fiber, advantages of synthetic fiber, disadvantages of synthetic fiber, difference between natural fiber and synthetic fiber, some plants fiber, that is cotton, jute, and condition necessary to obtain jute, where is jute grown, environment benefits. Now we will study animal fiber. Animal fiber, a variety of animal provide natural fiber for cloth. बहुत सारे variety हैं जो natural fiber की जो animal से हमें मिलती हैं. Wool, बच्चों wool जो है sheep, llama, alpaca and guanaco and विकुना से हमें मिलती है. कश्मीरी, फ्रॉम कश्मीरी गॉट इज़ अनदर वेल नोन क्लॉथिंग फाइबर. कश्मीरी हमें कश्मीरी गॉट से मिलती है. वाइट मॉथ ऑफ कैटरपिलर जो है वो सिल्क वॉर्म के नाम से जाना जाता है, फाइन सिल्क देता है हमें. एनिमल के फर से, मिंक से जो है वो बीवर, मस्किन और रैबिट, इनसे भी इनके फर से भी कपड़े बनाए जाते हैं. ठीक है, मिंक जो डियर होता है एक तरह से, डियर और बीवर, मस्करेट और रैबिट की फर से कपड़े बनाए जाते हैं. ऑल दो लेदर इज़ नॉट ए फाइबर, लेदर फाइबर नहीं है, फिर भी इसको फैब्रिक के रूप में काफ़ी यूज़ किया जाता है. बहुत सारे जो कैचर हैं वो लेदर को, बहुत सारे लोग लेदर को पहनते हैं, बट द हाइड्स ऑफ पिग्स आर आल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सॉफ्ट लेदर गुड्स. ले और जो पिग, सुअर की खाल भी बहुत ज़्यादा लेदर के सामान के लिए यूज़ की जाती है. द टू इम्पॉर्टेंट एनिमल फाइबर, जो दो इम्पॉर्टेंट एनिमल फाइबर क्लोथ के लिए यूज़ किए जाते हैं वो वूल एंड सिल्क हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं वूल. देर आर सेवरल हंड्रेड ब्रीड्स शीप की हैं, बहुत सारी शीप की ब्रीड हैं वर्ल्ड में जो जिनसे हमें जिनके फ्लीस से हमें वूल मिलती है. उनके फ्लीस को साल में एक बार शियर किया जाता है और फिर धागे को बुनकर ऊन बनाई जाती है. मेड फ्रॉम फाइबर ऑफ द थिक फ्लीस ऑफ शीप, शीप के थिक फ्लीस से धागा बनता है, उससे ऊन बनती है. इट कम्स इन शेडेड ऑफ ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन. जो ऊन है जो शीप से मिलती है उसका कलर जो होता है वो ब्लैक शेड, वाइट शेड और ब्राउन शेड में होता है. प्रोसेसिंग ऑफ वूल, वूल को कैसे प्रोसेस किया जाता है, डिफरेंट प्रोसेस है. शेयरिंग, शेयरिंग कहते हैं रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप स्किन, शीप की स्किन से वूल को अलग करना. नेक से ग्रेडिंग, फ्लीस से डैमेज वूल को सेपरेट किया जाता है, उसको ग्रेडिंग कहते हैं. जो खराब वूल होती है उसको हटा देते हैं. नेक्स्ट आते हैं कार्डिंग. आफ्टर द वूल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड, उसको वूल को पहले धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर इसको रोलर्स में से, दांते वाले रोलर्स में जो कॉम टाइप का होता है, टीथ जैसा, उसमें से पास किया जाता है, उसको कार्डिंग कहते हैं. नेक्स्ट आते हैं स्पिनिंग. फाइबर ऑफ गैदर्ड टुगेदर द डॉन ड्रॉन इनटू ए लॉन्ग रोप एंड देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न.
उसकी लंबी रस्सियाँ बनाई जाती हैं धागे की, फिर उसको यार्न बनाया जाता है, उसको ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं। द यार्न ऑब्टेन इज इधर वीव्ड इनटू फैब्रिक और रिटेन फॉर निटिंग। जो अब धागा हमें मिला है ऊन का, उससे या तो फैब्रिक बनाए जाते हैं या उससे बुनाई करके स्वेटर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिल्क। बच्चों सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 5000 ईयर्स है वो। सिल्क जो है पहले, सबसे पहले चाइना में डेवलप की गई थी लगभग 5000 साल पहले, ठीक है। इट बिकेम ए पॉपुलर लग्जरी फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स लश्चर एंड टेक्सचर। अपनी चमक और बनावट के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई लग्जरी फाइबर के रूप में, अमीरी लुक देता है। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्लाइवा ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के स्लाइवा से बनता है, लार से बनता है। इट्स लार्वा फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी। जो सिल्क वॉर्म का लार्वा है वो मलबरी की पत्ती, शहतूत की पत्तियों पर फीड करता है। एज इज इट ग्रोज इनटू एडल्ट, जब ये एडल्ट में ग्रो करता है तो जो कैटरपिलर होता है, ये बच्चों जब ये कैटरपिलर होता है, ये एग है उसके, ये कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर अपने चारों ओर कोकून को बुनता है। सिल्क वॉर्म अपने चारों ओर क्या बुनता है, कोकून को बुनता है। और एज दिस स्टेज द कोकून इज बॉयल टू वार्म वाटर। कोकून को वार्म वाटर में बॉयल करते हैं या इंक्यूबेटर में रखते हैं गर्म में, जिससे ये प्यूपा जो है मर जाता है, और इसकी जो प्यूपा मर जाता है और इसके कोकून को निकाल लेते हैं। देन बिकम्स इजी टू सेपरेट द सिल्क स्ट्रैंड विद द स्पन इनटू रील। और फिर ये जो धागा है सिल्क का वो निकालना इजी हो जाता है और उसको रील में बना स्पन कर देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन लार्ज स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। इसको सेरीकल्चर कहते हैं, सिल्क को पालना। लगभग 5,500 वॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम रॉ सिल्क। लगभग 5,500 अंडे सिल्क वॉर्म 1 किलो रॉ सिल्क को प्राप्त करने में यूज़ होते हैं। स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न का बुनना कैसे होता है बच्चों, देखोगे कि जो स्पिनिंग ऑफ कॉटन है दैट कन्वर्ट फाइबर इनटू थ्रेड यार्न। उसको फाइबर को थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, यार्न में कन्वर्ट करते हैं, धागे में कन्वर्ट करते हैं, और इसको स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में फाइबर जो है कॉटन वूल से निकाल लिया जाता है और उसको ट्विस्ट करके यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। बाय दिस प्रोसेस कम टुगेदर टू फॉर्म यार्न आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। और उसके बाद में यार्न से फैब्रिक बन जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यार्न टू फैब्रिक। धागे से कपड़ा कैसे बनता है, दो मेन प्रोसेस है, दैट इज़ वीविंग एंड निटिंग। बच्चों वीविंग पढ़ते हैं, वीविंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें धागे के दो सेट को मिलाकर बुनाई की जाती है, इसमें बुनाई की जाती है। वीविंग जो है वो घरों में भी की जा सकती है, एक मशीन होती है लूम, ये लूम है, लूम के द्वारा इसको वीविंग किया जाता है। लूम कपड़ा बनाने के लिए, धागे से कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो धागा बनता है उसको क्रॉस, एक दूसरे से क्रॉस करते हैं बच्चों। ये एक धागा यहाँ से यू करके इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से, ऐसे इसको क्रॉस करके बुनाई की जाती है। और
इस टेक्निक से कोई भी कपड़ा बनता है। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस ऑफ वीविंग। वीविंग के एडवांटेजेस बच्चों, वीविंग गिव्स ए फर्म फैब्रिक, मजबूत कपड़ा देता है। वुवन फैब्रिक डोंट स्ट्रेच एंड आर दस इजी टू हैंडल, कपड़ा फैलता नहीं है और आसानी से हैंडल उसको हम कर सकते हैं। वुवन फैब्रिक आर इजी टू प्रिंट एंड एम्ब्रॉयडर, आसानी से उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं और एम्ब्रॉयडरी भी उस पर कर सकते हैं। इवन हम थ्रेड को काउंट करके भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, जो क्रॉस स्टिच वगैरह होती है उसमें थ्रेड काउंट होते हैं, उसको थ्रेड काउंट करके भी हम स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। वीविंग इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू फैब्रिक कंस्ट्रक्टर, जो कपड़ा बनाते हैं वो वीविंग मेथड को यूज़ करते हैं, ये अच्छा तरीका है उनके लिए। नेक्स्ट आते हैं निटिंग। बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है निटिंग हो रही है, सिलाई के द्वारा निटिंग होती है, स्वेटर जो बनाए जाते हैं। बहुत सारे धागे को, बहुत सारे तरीके हैं धागे को टर्न करके कपड़ा बनाया जाता है। निटिंग इज़ डन ईदर बाय हैंड और मशीन, हाथ से और मशीन से निटिंग की जाती है। और जो तुम प्लोवर वगैरह पहनते हो उसको पास से देखो तो देखोगे कि एक चेन बना के लूप में और उनको इंटरलूप किया जाता है एक दूसरे के साथ। इस निटिंग लूप्स का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लूप्स को बनाकर, धागे के लूप्स को बनाकर नए लूप में खींचा जाता है। गारमेंट्स लाइक वेस्ट, बनियान, ग्लव्स, कैप, स्वेटर, सॉक्स, मफलर, शॉल्स वगैरह इससे बनाए जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नीटिंग। नीटिंग के फ़ायदे, नीटेड फैब्रिक जो होता है वो कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए, गर्मी देता है और फिटिंग, एग्जैक्ट फिटिंग होती है इसकी, जितना मर्जी जहाँ पर फंदे बढ़ाकर चौड़ा कर लो, फंदे कम करके उसको पतला कर लो, रिंकल नहीं होता और स्ट्रेचेबल